करंट वीडियो. सो गाइज, आज की वीडियो में मैंने आप लोगों के लिए शूट किया है गेट रेडी विद मी. मैं जा रही हूँ अपनी दोस्त के घर दावत पर, और एक दोस्त मेरी सामने खड़ी हुई है, एक दोस्त के घर में दावत पर जा रही हूँ. मैंने सोचा आप लोगों को भी बता दूँ. और जल्दी जल्दी में मैंने ये मेकअप ट्यूटोरियल मेकअप किया है, ये लुक क्रिएट किया है, बहुत ही लाइट कलर का ड्रेस पहना है, और जल्दी जल्दी में जो है ना बस मेकअप गुजर जा भाई तू मेकअप ट्यूटोरियल बनाया है. मुझे नहीं पता कैसा बना है, प्लीज़ इसे जज मत कीजिएगा, क्योंकि जलती जलती में ये जो कहते हैं ना वो क्या कहूँ मैं अभी से, ये जो मेरे सर पर सवार हुई है ना कि बस जलती जलती करो कि टाइम नहीं है तुम्हारी वजह से हम लोग लेट हो रहे हैं. तो मैंने सोचा यार, मैंने सोचा थोड़ा ठंड रखो. अब मैंने, मेरी यूट्यूब की फैमिली भी है, मुझे उसके लिए भी कुछ वीडियो शीडियो बनानी पड़ती है. कहती है तुम्हारे ये ड्रामे ख़त्म नहीं होगा और मैं लेट हो जाऊँगी. मैंने कहा तुम चले जाओ. कहती है नहीं मैं तुम्हारे बगैर जाती भी नहीं हूँ, पर जलती भी करो. ऐसे होते हैं दोस्त. आप लोगों के भी दोस्त ऐसे ही होंगे, मेरे भी कुछ ऐसे. ठीक है जी, तो वीडियो देखे फिर मुलाकात होती है. सबसे पहले मैं अपने फेस पे लगा रहूँगी तजबीली बाय हानिया का मिल्की यू सीरम. ज़बरदस्त सीरम है, अच्छा खासा जो है ना आपके स्किन को मॉइस्चराइज़ कर देता है. सबसे अच्छी बात इस सीरम की है कि आपकी स्किन को ज़्यादा ऑयली नहीं करता, और वाइटनिंग सीरम है. उसके बाद जो है ना बेस लगाने का मज़ा ही आ जाता है. उसके बाद मैं यूज़ करूँगी प्राइमर, अच्छा खासा थिक प्राइमर है, ज़बरदस्त प्राइमर है. लिंक डिस्क्रिप्शन में लिख दूँगी जहाँ से लिया है. उसके बाद मैं यूज़ करूँगी कॉम्पैक्ट पाउडर मिसरोज़ का 02 शेड है. ये भी मैंने जहाँ से ऑनलाइन चेस किया था या मुझे आया था, अब मुझे याद नहीं है. मैं लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगी. ज़बरदस्त सा प्राइमर है. अच्छा, बेस लगाने से पहले, प्राइमर लगाने के बाद मैंने कॉम्पैक्ट पाउडर इसलिए यूज़ किया क्योंकि मुझे थोड़ा सा हल्का सा जो है ना मैट सा लुक देनी थी. अगर आपने मैट लुक देनी हो ना, तो सबसे पहले बेस लगाने से पहले ना कॉम्पैक्ट पाउडर यानी फेस पाउडर जो भी है वो लगा लो. उसके बाद मैं यूज़ करूँगी मिस रोज़ की फाउंडेशन हाई कवरेज. ये फाउंडेशन जो है ना बहुत हाई कवरेज है. इसको लगाने के बाद आपको कंसीलर लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती. हाँ जी, अगर आप ये बेस यूज़ करते हैं, नहीं करते तो मंगवा लें और यूज़ करें. इसके बाद आपको जो है ना कंसीलर लगाने की रत्ती भर ज़रूरत नहीं पड़ती. और यहाँ पर मैं चलती 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 तैयार हो रही हूँ क्योंकि टाइम बहुत कम था और काम बहुत ज़्यादा था. अच्छा, एक और चीज़ यहाँ मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहती हूँ. मुझे नहीं पता कि, अच्छा मुझे इस चीज़ का फ़र्क नहीं पता, पहले बता देती हूँ. पहले ये है मिस रोज़ की आईब्रो पैलेट, जिसमें एक क्रीमी शेड होता है और दो पाउडरी शेड होते हैं. अगर आप लोग दिन के टाइम आईब्रो फिल कर रहे हो तो पाउडर वाली करें, और अगर रात के टाइम है तो क्रीमी से कर लें. उसके बाद इस आई शेडो पैलेट की बात कर लेते हैं. ये मुझे गिफ्ट आई है और मुझे नहीं पता कि ये कौन सी कंपनी, नहीं इसके पीछे कंपनी लिखी हुई थी, मैं वो डिस्क्रिप्शन में भी लिख दूँगी. और इतनी ज़बरदस्त ये मैट जो है ना आई शेडो पैलेट है कि यकीन माने दिल ही खुश हो गया इसे देख के. इसमें हाइलाइटर भी थे और इसमें मैट शेड्स भी थे. सबसे पहले मैंने वाइट कलर का जो है ना मैट शेड उठाया, उससे मैंने इसे हल्की सी कट क्रीज बनाई क्योंकि मैंने ना वाइट और पिंक कलर का ड्रेस पहनना था, तो मुझे कुछ इसी तरह की जो है ना लुक देनी थी. बाद में ये करी थी कि मेकअप में लोग बहुत ज़्यादा फ़र्क करते हैं. कुछ लोग कहते हैं एक होता है सस्ता मेकअप, एक होता है ब्रांड मेकअप, एक होता है लोकल मेकअप. यार मैं तो इन चीज़ों में फ़र्क नहीं देखती. मैं सिर्फ और सिर्फ देखती हूँ कि वो मेकअप हो जो आपकी स्किन को फ़ायदा देता हो, आपकी स्किन को नुकसान ना देता हो, आपकी स्किन को डैमेज ना करे. ठीक है, वो चीज़ यूज़ करो बस. बाकी जो लोग ये इन चीज़ों में फ़र्क करते हैं ना, वही लोग दुनिया में कामयाब नहीं हो सकते. गरीबी, अमीरी, छोटा बड़ा, बस लोग इसी चीज़ को लेके बैठे रहते हैं. बहरहाल, अब मैंने यहाँ पर यूज़ की है मेकअप रेवोल्यूशन की ये है स्मोकी पैलेट है जो कि ख़त्म हो चुकी है. इसको मैंने बहुत ही ज़्यादा यूज़ किया. उससे पहले मैंने गोल्डन शेड लिया और फिर ब्राउनी सा शेड लेकर मैंने अपने आई के नीचे लगा लिया. ठीक है, आँख के नीचे लगा लिया, जिसके आप लोगों को नज़र आ रहा है. उसके बाद मैं यूज़ करी हूँ वाइट काजल. ये भी मैंने कौन सा काजल यूज़ किया है डिस्क्रिप्शन में सारी इन्फॉर्मेशन लिख दूंगी, वहाँ से आप लोग चेक कर सकते हैं. उसके बाद आईलैशेस को फोल्ड कर लूँगी जल्दी जल्दी में जो है ना. बस ये मुझे खुद नहीं पता चला कि ये वाला जो ट्यूटोरियल है मैंने कैसे किया है. बीच में मैं नाश्ता भी कर रही हूँ, बीच में मैं जूस भी पी रही हूँ, पानी भी पी रही हूँ, बस सारा कुछ पी रही हूँ. और उसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ मिस रोज़ का ये मस्कारा. काफ़ी ज़्यादा अच्छा मस्कारा है, बातें भी कर रही हूँ क्योंकि जब कोई हो ना तो फिर आप जो है ना सही से वीडियो नहीं बना सकते. उसके बाद मैंने यूज़ किया है ब्लशन. हाँ, ब्लशन यूज़ किया है. ये तो मैंने दिखाया ही नहीं मैंने ब्लशन कौन सा यूज़ किया है.
डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगी। उसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ इसी पैलेट का हाइलाइटर, और मुझे इतना अच्छा लगा यार इसका हाइलाइटर, इतना ज़बरदस्त है, आप लोग खुद देखें, इतना फिट 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 हाइलाइटर है, मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। उसके बाद मैं मिस रोज़ की क्रियॉन लिपस्टिक लूँगी, फिंगर की हेल्प से मैं इसे लाइट सा जो है ना लाइट सा ब्लेंड कर लूँगी, ज़्यादा डार्क नहीं, क्योंकि दिन का टाइम है, चुड़ैल थोड़ी बनना मेरी ना, ऐसे ऐसे नहीं करते होते। उसके बाद मैं यहाँ पर लेंस लगा रही हूँ, लेंस जो है वो भी मैंने जहाँ से लिया है, लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में लिख दूँगी, आप लोग ज़रूर चेक कीजिएगा। यहाँ मैं तैयार हो चुकी हूँ, ये था मेरा लाइट सा ड्रेस, और ये दुपट्टा मुझे एक आया था गिफ्ट, पर मुझे याद नहीं है किसने भेजा था, तो वो भी लिख दूँगी। यहाँ मैं कोशिश कर रही थी अपना ड्रेस दिखाने की, बट नहीं दिखा पा रही थी, बस कुछ हो ही। मैं बाहर आई हूँ पिक्चर लेने के लिए, लेकिन इस धूप का और मेरा कुछ रिश्ता बहुत ही खराब है, मेरी आंखें ही नहीं खुल रही, मैं क्या पिक्चर्स लूंगी मुझे ये बताएं। मैं सब कुछ छोड़ के अंदर से और बाहर आ गई हूँ, लेकिन इस धूप का कोई अच्छा पता है होता क्या है, जितनी जल्दी आप लोग करते हो ना उतनी जल्दी आपको चीजें ही नहीं मिलती, मुझे वॉच ही नहीं मिल रही, हाथ खाली खाली है, क्योंकि मुझे सिर्फ और सिर्फ घड़ी पहनने का शौक़ है और वो मिल ही नहीं रही, जितनी जल्दी मैं कर रही हूँ उतनी जल्दी जो मेरे पे अगर जल्दी कर भी रहा है ना तो मुझे चीज़ें मिलेंगी भी उतनी ही देर होगी। तो मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी, और ये जो मेरा ड्रेस था ना ये बहुत ही लाइट कलर में, बहुत ज़्यादा लाइट कलर में, तो मैंने सोचा कि इसके साथ अब ऐसा ही मेकअप जो है ना वो सूट करेगा, इसके अलावा कोई मेकअप अच्छा नहीं लगेगा, बहुत डार्क भी और बहुत ज़्यादा लाइट भी नहीं अच्छा लगेगा। तो आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, मिलते हैं एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, मुझे अपनी दुआ में बहुत ज़्यादा याद रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।